गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, कल हमने आगे वाले लेसन में यूनिट रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक, उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे हमने, कौन कौन सी अभिक्रिया संयोजन योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी थी, फिर हमने उसकी पढ़ी थी कौन कौन सी अपघटन अभिक्रिया पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सी संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन, चार अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ी। वो जो चार अभिक्रिया थी वो किसके आधार पे थी, कि बंध बनते हैं बंध टूटते हैं बंधों का संयोग होता है उसके आधार पे थी, और क्या थे परमाणु का एक्सचेंज उसके आधार पे थी। आज हम वेग के आधार पे अभिक्रिया पढ़ेंगे, कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, वेग के आधार पर। तो यूनिट हमारा कौन सा था, पार्ट 6 चल रहे थे हम, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। अब हम जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वो किसके आधार पे है, वेग के आधार पे, किसके आधार पे, वेग के आधार पे अभिक्रिया, वेग के आधार पे। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, कौन कौन सी अभिक्रिया, एक तो होती है अभिक्रिया मंद अभिक्रिया और एक अभिक्रिया कौन सी होती है, तीव्र अभिक्रिया। तो वेग के आधार पर कितनी अभिक्रिया है, दो, कौन कौन सी, एक तो है मंद अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, मंद मंद अभिक्रिया, और एक कौन सी है, तीव्र अभिक्रिया फास्ट अभिक्रिया। तो इन दोनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझना। आगे हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो किसके थी, देखो दो बंध जुड़ रहे थे मतलब दो अभिकारकों का संयोग हो रहा था, नया उत्पाद बन रहा था, उत्पाद टूट रहा था फिर नए प्रोडक्ट बन रहे थे, नया अभिकारक मतलब एक एकल अभिकारक टूट कर नए उत्पाद बना रहे थे, फिर क्या होता था मतलब परमाणु का या समूह का एक्सचेंज हो रहा था दोनों तरफ हो रहा था, तो वो अभिक्रिया पड़ी थी। आज हम वेग के आधार पर पढ़ेंगे, वेग का मतलब हुआ कितनी फास्ट रिएक्शन होती है और कितनी मंद होती है, कितनी धीरे होती है। तो इसके दो है, क्या है, एक तो मंद अभिक्रिया और एक तीव्र अभिक्रिया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मंद अभिक्रिया, मंद के नाम से ही पता चल रहा है, मंद अभिक्रिया का मतलब क्या है कि इस अभिक्रियाओं को या तो क्या हो सकता है, घंटे लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, इसका मतलब इस अभिक्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया होती है ये या तो हो सकती है कि मंद अभिक्रिया में क्या, या तो इनको क्या लिख सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं मतलब कुछ समय का मतलब घंटे लग सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं या कई साल लग सकते हैं, इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया जो बहुत धीरे धीरे चले, या तो उनको लगने में घंटे लग जाएं या फिर कई दिन लग जाए, दो दिन चार दिन दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन एक महीना, या फिर इनको सालों साल लग जाए, तो ऐसी अभिक्रिया मंद अभिक्रिया जिनको पूरा होने में घंटे लग जाएं समय लग जाएं या सालों लग जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, मंद अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल कौन सा, जैसे मैंने कहा जंग लगना, क्या होना, जंग लगना, बताओ जंग लगने की जो अभिक्रिया है, लोहे पे जंग लगना, आपने देखा होगा कि जब नया लोहा लाते हैं हम दीवार है, जो भी लोहे के जो भी हम सामान बनाते हैं उन पे धीरे 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 लंबे समय बाद क्या लगता है, जंग लगना है, तो वो एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया, यानी लोहे पे जो जंग लगना है वो कौन सी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में इस अभिक्रियाओं को पूरा होने में घंटे दिन या साल लगे, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या, यानी ऐसी अभिक्रिया जो धीरे धीरे चले, इस अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, मंद अभिक्रिया करते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना एक प्रकार की मंद अभिक्रिया है। अब कौन कौन सी अभिक्रिया इसके अंदर है, तो वो हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। तो मंद अभिक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रिया, तो पहली अभिक्रिया हम देखते हैं, यही देख लेते हैं, लोहे पे जंग लगना, कौन सी, लोहे पे जंग लगना, इसकी रिएक्शन देखते हैं। इसकी रिएक्शन कैसे होती है कि लोहा होता है, देखो आपने देखा होगा लोहे पे जंग क्या लगता है, जब लोहा, लोहे को हम क्या कहते हैं, फेरस, इसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ गई तो हवा आनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जल। लोहे पे जंग लेने के लिए तीनों कंडीशन अनिवार्य है। मैं पहले ये रिएक्शन पढ़ रहा हूँ फिर मैं तीव्र की लूंगा, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया पढ़ते हैं हम। देखो लोहे, लोहे पे जंग लगना कैसे होता है, लोहे पे इन तीनों गुण, लोहा उसके साथ ऑक्सीजन और उसके साथ जल, अगर ये तीनों है तो लोहे पे जंग लगेगा वरना नहीं। इसमें से एक भी अगर कंडीशन नहीं है, जैसे लोहा और जल है तो जंग नहीं, उसके साथ हवा का भी अटैच होना जरूरी है, ऑक्सीजन भी उसके साथ क्या होनी चाहिए, जरूरी है। या फिर ये नहीं है, जल नहीं है, लोहे के ऊपर जल नहीं लग रहा है
तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। आई बात समझ में? तो तीनों कण लोहे के साथ ऑक्सीजन और जल अगर उसके साथ अटैच हो जाता है, जैसे भाई कोई लोहा है उस पर पानी गिरा उसके ऊपर और साथ ही साथ क्या आ गई, हवा भी आ गई, तो उसके ऊपर धीरे 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 जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो लोहे पे जंग लगने में आवश्यक कौन है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ये जब होते हैं तो क्या बनाते हैं? जब तीनों मिलते हैं तो क्या बनाते? इसकी हमने क्या लेके चार फेरस के चार अणु ले लिए, ऑक्सीजन के कितने लिए तीन और हाइड्रोजन के कितने ले लिए छः, जल कितने छः अणु ले लिए। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास? इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Fe2O3.3S2O। क्या बन जाएगा? 3S2O। कितने Fe3 बनेंगे? 2 Fe3। तो इसे हम कहते हैं जंग, इसे हम क्या कहते हैं? जंग। इसे कहते हैं जंग लगना, या फिर इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। तो याद रखना ये इसका फेरिक ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, इसे हम कहते हैं जंग। तो देखो तो क्या होता है, ये कहलाता है जंग। जो लोहे पे जंग लगता है उसका फॉर्मूला ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। इसे कहते हैं जंग लगना। तो ये अभिक्रिया को कई साल लगते हैं, लोहे पे जंग लगने में कई साल लगते हैं। तो क्या 4 Fe अणु लिए, देखो यहां पर 2 × 4 हो गए पूरे हो गए, 3 × 6 और 6 12, 12 ऑक्सीजन है, 3 × 6 और 6 कितनी हुई 12। तो यहां पर देखो ये होगी 3 × 3 × 6, 2 × 3 = 6 ये और 6 ये कितनी होगी 12 हो गए, ऑक्सीजन भी कंप्लीट। हाइड्रोजन कितने 6 × 12, हाइड्रोजन देखो 3 × 6, 6 × 2 = 12। तो क्या बना? तो ध्यान रखना ये किसकी अभिक्रिया है? जंग लगना। अब ये जंग लगना, इस जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने की जो क्रिया है, जंग लगने की क्रिया, जंग लगने की प्रक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया का जो नाम है इसे हम क्या कहते हैं? संसारण। क्या कहते हैं? संसारण। ध्यान रखना इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने की प्रक्रिया का नाम क्या है? संसारण। संसारण का मतलब होता है जो धातु का क्षय करता है। तो भाई लोहे का क्षय करेगा ना, जब ये जंग लगेगा तो लोहे का क्या होगा? क्षय, वो टूटने लगेगा, आप वापस उससे पहले जैसा लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संसारण। संसारण का मतलब धातु को क्षय करने वाला। तो या लोहे का संसारण हो रहा है, तो जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संसारण। अब आपने देखा होगा कि लोहे पे जंग लगता है तो उसके लिए क्या करते हैं लोग? लोहे के ऊपर जब भी लोहे का सामान है तो उसके ऊपर पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट। कि भाई इसके ऊपर पेंट करने से लोहा बच जाता है, वो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आता, डायरेक्टली अटैच नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर जंग नहीं होता, उसके ऊपर पेंट करते हैं। कोई ग्रीस करता है, कोई तेल अलग तरह के यूज करता है, ऑयल पेंट करता है कोई भी, तो पेंट उसके ऊपर किया जाता है। अब कुछ क्या होता है, बड़े बड़े जब बड़े बड़े जैसे पाइप वगैरह लगाते हैं, जैसे पानी के पाइप वगैरह लगाते हैं लोग, तो उसके ऊपर एक लेप किया जाता है जिंक का। किसका लेप किया जाता है? जिंक का। किसे? इस जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका किया जाता है? जिंक का। क्या किया जाता है? जिंक का लेपन किया जाता है उसके ऊपर। किसकी परत चढ़ाई जाती है? लेपन या परत चढ़ाई जाती है किसकी? जिंक की। आपने देखा हो कि बड़े बड़े पानी के पाइप होते हैं तो अंदर से व्हाइट कलर के होते हैं, तो उसके ऊपर जस्ते की यानी जिंक की क्या कराई जाती है? परत चढ़ाई जाती है। किससे बचने के लिए? जंग से बचने के लिए। कि किसी भी लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर किसकी? जिंक का लेपन या परत चढ़ाई जाती है। इसको हम कहते हैं यसद लेपन। इसका नाम क्या है? यसद लेपन, या फिर इंग्लिश में है, या इसको हम कहते हैं गैल्वनीलाइजेशन या गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण, गैल्वेलाइजेशन, समझ गए? तो गैल्वनीकरण इसको कहा जाता है। तो किस पे? जिंक का लेपन करना। लोहे पर किसका लेपन करना? जिंक का लेपन करना क्या कहलाता है? यसद लेपन या गैल्वनाइजेशन या फिर गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण कहा जाता है। किस पे? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? यसद लेपन या फिर गैल्वनीकरण कहा जाता है, गैल्वनाइजेशन इसको कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये कैसी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया। किस पे? लोहे पे जंग लगना। और कौन सी अभिक्रिया है इसकी? और देखते हैं हम इसकी अभिक्रिया। चलो नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया देखते हैं हम, यहां लिख देते हैं। अगली दूसरी इसकी जो अभिक्रिया है वो है पोटेशियम क्लोरेट, जो हमने आगे पढ़ा है KClO3। KClO3 का किसमें बदलना? KCl में बदलना। ये भी एक प्रकार की क्या है? मंद अभिक्रिया। और 3O2 में कन्वर्ट होना, ये 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम हमने क्या लिखा था? पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। इसका किसमें बदलना? पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम
क्लोराइड में बदलना। तो KClO3 का हिट जब हम इसको करते हैं तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्लोरेट। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया। ये प्रकार की अभिक्रिया भी कैसी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया। तो लोहे पे जंग लगना अभिक्रिया मंद अभिक्रिया, और 2KClO3 को जब हम गर्म करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये KCl में। ये भी एक प्रकार की मंद अभिक्रिया है। एक और मंद अभिक्रिया की बात करें हम तीसरी, तो तीसरी मंद अभिक्रिया है कि जब हम एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिड CH3COH की अभिक्रिया जब हम मैथिल HOC2H5 से जब रिएक्शन कराते हैं किससे? मैथिल एल्कोहल। किससे अभिक्रिया? ये होता है एथिल एल्कोहल और ये कहलाता है एसिटिक एसिड। समझ गए? इसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और इसको क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल की जब तो क्या है? एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम कराते हैं ये तो कहलाते हैं एथिल। C2H5 को एथिल, OH को हम कहते हैं एल्कोहल। यहाँ पर इसके साथ जो अटैच होता है और ये कहलाता है हमारे पास एसिटिक एसिड, जो हमने आगे पढ़ा है सिरके में पाया जाता है। जब इसकी रिएक्शन एथिल एल्कोहल से कराते हैं तो क्या करता है? इसमें से OH और इसका जाता है H। ये क्या होता है? जल इसमें से बाहर निकल जाता है। इस दोनों में से क्या निकल जाता है? जल। ये जल निकल जाता है बाहर और ये दोनों अटैच हो जाते हैं। भाई जल तो बाहर निकल गया तो अब पीछे क्या रहा? पीछे क्या रहा? CH3CO और C2H5। तो CH3COOC2H5 इसका हम नाम क्या कहें? इसको कहते हैं एथिल एसीटेट। क्या कहते हैं? एथिल एसीटेट, एसीटेट। और साथ में क्या हो गया? H2O। ये जल बाहर। तो ध्यान रखना एसिटिक अम्ल की किससे अभिक्रिया? एथेनॉल से, मतलब एथिल एल्कोहल से, या एथेनॉल इसको कहते हैं। जब रिएक्शन करते हैं तो इसका एच बार और इसका OH बार, जल बाहर निकल जाता है और पीछे जो बनता है उसको हम कहते हैं एथिल एसीटेट, या फिर इसको एस्टर भी नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर भी। तो एथिल एसीटेट बनता है। ये तीनों जो अभिक्रिया मैंने आपको लिखाई है, ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया, ये जो तीनों अभिक्रिया है, ये तीनों अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया। तो परीक्षाओं में पूछते हैं कि मंद अभिक्रिया क्या होती है? तो मंद अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जो धीरे धीरे चले, जिनको पूरा होने में कई दिन भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, यानी बहुत धीरे धीरे ये चलती है। उन अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया करेंगे। एग्जाम्पल कौन सा? जैसे जंग लगना। जंग लगना एक प्रकार की क्या है? मंद अभिक्रिया है। जंग किस तरीके से? जब लोहे के साथ ऑक्सीजन और जल होगा तो ये कंडीशन पूरी होगी, तो जल है ऑक्सीजन नहीं है तो जंग नहीं लगेगा, या फिर जल नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन है तो जंग नहीं लगेगा। ये दोनों कंडीशन अगर पूरी होती है तो ये जंग बनता है। ये जंग का फॉर्मूला आपसे पूछे तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। अब जंग लगने की ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? संसारण। संसारण का मतलब होता है से होना, वो किसी के लिए भी हो सकता है। तो संसारण का मतलब भी क्या होता है? से। यहाँ लोहे का से हो रहा है इसको कहते हैं संसारण। फिर है अब इस संसारण से बचने के लिए लोहे पे जंग लगने लगता है, उससे बचने के लिए इसके ऊपर लेप किया जाता है। किसका? जस्ते का, जिंक का लेप किया जाता है। और जिंक के लेपन करने को क्या कहते हैं? यसद लेपन या गैल्वनीकरण कहा जाता है। गैल्वनीकरण कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। फिर एक KClO3 पोटेशियम क्लोराइड का किसमें बदलना? पोटेशियम क्लोराइड में बदलना, ये भी एक मंद अभिक्रिया है। और एसिटिक अम्ल का, ये एसिटिक अम्ल जो हमने आगे पढ़ा सिरके में पाया जाता है, इसकी किससे अभिक्रिया? एथेनॉल से। जब अभिक्रिया करते हैं तो इसमें से जल बाहर निकल जाता है, पीछे जो प्रोडक्ट बचता है वो एथिल एसीटेट। ये भी एक प्रकार की क्या है? मंद अभिक्रिया है। तो ये मंद अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है, इसको मिटा दूं मैं। अब हम पढ़ते हैं तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं? तीव्र अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं तीव्र अभिक्रिया। अब तीव्र अभिक्रिया देखो, ये तो धीरे धीरे चलेगी, अब इनको पूरा होने में कुछ सेकंड लगे, चंद सेकंड, बहुत कम समय। तो तीव्र अभिक्रिया के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? तीव्र नाम से पता चल रहा है, बहुत ही कम समय। कम समय में पूरी हो जाए, पूरी हो, यानी ऐसी अभिक्रिया बहुत फास्टली हो, बहुत फास्ट, जैसे ही अभिकारक मिले और रिएक्शन हो गई उसको हमें बाहर धोने की, मतलब जैसे ही अभिकारक एक दूसरे के अंदर मिले और रिएक्शन तत्काल होगी तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। पहली अभिक्रिया देखो, पहली अभिक्रिया हमारी प्रबल अम्ल और प्रबल सार की, जब NaOH की क्रिया हम HCl से कराते हैं, किससे कराते हैं? HCl से, तो सीधा क्या बनता है? NaCl और प्लस H2O। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, मतलब प्रबल सार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया। किसकी? प्रबल सार, प्रबल सार है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और ये प्रबल अम्ल है, इसकी जो अभिक्रिया होती है वो बहुत फास्ट होती है, और बहुत फास्ट होके क्या बनता है, नमक प्लस H2O, ये तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब ये रिएक्शन होने में समय कितना लगता है, 10^-10 सेकेंड में पूरी हो जाती है ये अभिक्रिया। कितने में, 10^-10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगता है, सेकेंड का -10वां भाग, यानी बहुत कम, यानी कुछ ही समय में, सेकेंड भी नहीं लगते हैं, ध्यान, 10^-10 सेकेंड मैंने लिखा, तो 10^-10 सेकेंड के अंदर ये पूरी हो जाती है। आई बात समझ में, 10^-10 सेकेंड यानी बहुत फास्टली ये रिएक्शन हो जाती है, तो सेकेंड भी नहीं लगता, सेकेंड से भी कम समय लगता है, बहुत फास्टली हो जाती है, समझ गए, तो बहुत ही फास्ट अभिक्रिया। तो प्रबल सार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया क्या होती है, बहुत फास्ट यानी तीव्र अभिक्रिया है। दूसरी तीव्र अभिक्रिया के बारे में अगर हम पढ़ें तो दूसरी जो तीव्र अभिक्रिया है वो कौन सी है, AgNO3 की अभिक्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो क्या बनता है, AgCl और प्लस बनता है HNO3, AgCl और HNO3, या AgCl का कैसा आक्षेप होता है, श्वेत आक्षेप प्राप्त होता है। तो कौन सी अभिक्रिया है, AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट, इसे हम क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, इसका कैसा आक्षेप आता है, श्वेत अक्षेप का मतलब ये जिसमें हम रिएक्शन उसके पीछे नीचे जमा रहेगा, श्वेत जो होगा वो नीचे जमा रहेगा, समझ गए, श्वेत पदार्थ। अक्षेप का मतलब होता है जो पीछे बचा रहता है हमारे पास, जैसे चौक का पानी होता है, चौक पीछे बची रहेगी, सह वैसे के वैसे ये क्या होगा, जैसे रिएक्शन कराएंगे तो पात्र के अंदर ये नीचे जो है, या इस तरीके से ये AgCl जो है वो रिएक्शन जैसे कराई ना हमने प्रगजली में, तो ये नीचे AgCl का अक्षेप, AgCl का कैसा अक्षेप, श्वेत अक्षेप ये पीछे बचा रहेगा, श्वेत अक्षेप। आई बात समझ में, तो AgCl नीचे ऐसे बची रहेगी तो इसका श्वेत अक्षेप प्राप्त होता है। तो परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं, AgNO3HCl के अंदर इस X पदार्थ का नाम बताया जो श्वेत अक्षेप के रूप में है, तो क्या होगा, AgCl, इसका इस तरीके से भी सवाल हमें पूछ सकते हैं। तो AgNO3 की जब हम HCl से कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, AgCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल एसिड बनता है। HNO3 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो इसका किसका अक्षेप, श्वेत अक्षेप बचता है, किसका, AgCl का श्वेत अक्षेप बचता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किसका श्वेत अक्षेप, ऐसा पूछ ले AgNO3HCl और यहाँ आपको दे देंगे X, क्या देंगे X, कि AgCl की जब HCl से क्रिया करते हो तो ये तीव्र अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, तो हम कहेंगे तीव्र अभिक्रिया। तो इस X पदार्थ जो बन रहा है, जिसका श्वेत अक्षेप बन रहा है, उसका नाम बताइए, तो X श्वेत पदार्थ का नाम क्या है, AgCl, क्या नाम है, AgCl। आई बात समझ में, ये अभिक्रिया। फिर एक और अभिक्रिया जो हम पढ़ते हैं, कौन सी अभिक्रिया, ध्यान से समझना, आप सभी ने पढ़ी होगी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया है वो भी एक प्रकार की कैसी है, तीव्र अभिक्रिया। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, पेड़ पौधे जो भोजन बनाने की क्रिया है उसमें क्या भाग लेते हैं, प्रकाश भाग लेता है, जल भाग लेता है, CO2 भाग लेती है, और क्लोरोफिल उसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और ये भी कैसी है, एक फास्ट रिएक्शन है, बहुत फास्ट में पूरी होती है। इसकी रिएक्शन क्या है, 6CO2+12H2O, ये जब भाग लेते हैं क्या, CO2 और H2O, जल आता है जड़ों से, CO2 आती है बाहर से, समझिए, और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश, एक तो चाहिए लाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और एक क्या चाहिए इसमें, सूर्य के प्रकाश के साथ चाहिए क्लोरोफिल, क्या चाहिए, क्लोरोफिल, प्राणहरित, ये दोनों, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस क्या बनता है, 6O2, जब इसके साथ ऑक्सीजन भी बनती है और एक थोड़ा जल भी और बनता है। आई बात समझ में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, भोजन जो बनता है। आई बात समझ में, तो देखो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, कब होगी है, जब CO2 और H2O जड़ों से मिलता है, CO2 में वातावरण से मिलती है, और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज, साथ में साथ ऑक्सीजन बनती है जिसको हम ग्रहण करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे भोजन में कौन सी गैस बनाते हैं, जब ऑक्सीजन गैस लेते भी कौन सी है, श्वसन में ऑक्सीजन गैस, ध्यान रखना, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन,
ध्यान रखना, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे भी सस्पेंशन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पेड़ पौधे भी सस्पेंशन में कौन सी गैस लेते हैं? O2। और मानव भी क्या लेते हैं? O2। ये भोजन बनाने में, पेड़ पौधे भोजन बनाने में CO2 लेते हैं, भोजन बनाने में कौन सी लेते हैं? CO2। लेकिन सस्पेंशन में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन बनाने में किसका यूज करते हैं? CO2। जिस प्रकार से ये रिएक्शन है, ये भोजन बनाने की रिएक्शन है, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ये भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? तीव्र अभिक्रिया। अब इसको पूरा होने में, इसको आधा पूरा होने में कितना लगता है? 10^12 सेकेंड। 10^12 सेकेंड में क्या होती है? आधी, आधी पूरी होती है, आधी रिएक्शन होने में इसको कितना समय लगता है? 10^-12 सेकेंड। तो ये इसका कहलाता है अर्धायुकाल। क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं अर्धायुकाल। तो प्रकाश संश्लेषण की अर्धायुकाल कितनी होती है इस रिएक्शन की? 10^-12 सेकेंड में आधी पूरी हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? अर्धायुकाल। क्या कहते हैं? अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल की परिभाषा क्या हुई? ध्यान रखना, अर्धायुकाल किसे कहते हैं ये भी याद रखना, अर्धायुकाल। तो इसकी अर्धायुकाल यानी टी हाफ कितनी है इसकी? मतलब इसको पूरा होने में, आधा पूरा होने में कितना समय लगता है? 10^-12 सेकेंड। बहुत फास्टली होती है ना, तो 10^-12 सेकेंड में ये आधी पूरी हो जाती है और इसे कहते हैं इसका अर्धायुकाल। अर्धायुकाल का मतलब होता है किसी अभिकारक की आधी मात्रा का उत्पाद में बदलने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध। अर्ध का मतलब आधा, काल का मतलब क्या है? समय। ये समय, काल का मतलब समय, अर्ध का मतलब आधा। क्या? आधा। तो आधा किसकी मात्रा? आधा अभिकारक की आधी मात्रा। किसकी? अभिकारक मात्रा। तो अर्धायुकाल की परिभाषा क्या हुई? कभी पूछ ले कि अर्धायुकाल क्या है, तो क्या लिखेंगे कि किसी अभिकारक की आधी मात्रा, अभिकारक की कितनी मात्रा? आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने के लिए जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्धायुकाल। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अर्धायुकाल कितनी है? 10^-12 सेकेंड। यानी इसको उत्पाद बनने, आधा मतलब अभिकारक से उत्पाद बनने में, आधे अभिकारक से अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद बनने के लिए कितना समय लगता है? 10^-12 सेकेंड। तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल की परिभाषा क्या होगी कि किसी अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने के लिए जितना समय लिया जाता है उसे हम अर्धायुकाल कहते हैं। तो ये भी रिएक्शन आप याद रखें। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? तीव्र अभिक्रिया की कौन कौन सी रिएक्शन होगी? एक तो प्रबल सार और प्रबल अम्ल की क्रिया, बहुत फास्ट, कितने सेकंड में पूरी होती है? 10^-10 सेकंड में कंप्लीट रिएक्शन, याद रखना। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? सिल्वर नाइट्रेट कि जब हम HCl से क्रिया करा तो क्या बनता है? AgCl और HNO3 बनता है। और AgCl का कैसा अक्षेप बनता है? श्वेत अक्षेप। श्वेत अक्षेप का मतलब मैंने आपको बता दिया कि पीछे जा रिएक्शन कराएंगे तो पीछे इसे अक्षेप का मतलब PPT बचेगी, ये पीछे ऐसा उसके अंदर रखा जाएगा। जैसे हम पानी पीते कोई कचरा होगा तो वो पीछे बचा रहता है, सेम ऐसा कैसा ये पीछे बचा रहेगा, श्वेत अक्षेप इसका आएगा। श्वेत अक्षेप किसका आता है? AgCl का, ध्यान रखना। और फिर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, ये भी क्या है? एक प्रकार की फास्ट रिएक्शन है, तीव्र अभिक्रिया है। इसका आधा पूरा होने में कितना समय लगता है? 10^-12 सेकंड में आधी पूरी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्धायुकाल। अर्धायुकाल का मतलब अभिकारक की आधी मात्रा का उत्पाद में बदलने के लिए जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं अर्धायुकाल। तो ये हमने पढ़ी मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। आज हमने पढ़ी कि किस प्रकार से मंद अभिक्रिया होती है। मंद अभिक्रिया किसके आधार पर? वेग के। मंद होती है वो धीरे धीरे चलती है, जैसे जंग लगना धीरे धीरे होता है इस तरीके से। इसके भी हमने 3 रिएक्शन पढ़ी और इसके भी हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी? 3 रिएक्शन। ये रिएक्शन सारी आपको याद रखनी है कि भाई मंद अभिक्रिया क्या होती है और तीव्र अभिक्रिया क्या होती है। आई बात समझ में? अच्छी तरीके से वीडियो को वापस देखें और इसको समझे अच्छी तरीके से और नोट करें जो बातें हैं, जो आपको लगे तो इसको आप नोट कर सकते हो। अगर आप इसको नोट करोगे इस बोर्ड को तो आपको पीछे वाले प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। अगर जो मैं पढ़ाता हूँ इसको आप नोट करो, थोड़े और एक्स्ट्रा लिखो तो नोट्स बनाते चलोगे तो आपको पीछे वाले प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी को लिखो। और अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो पीछे वाले प्रश्न आपको करने पढ़ेंगे, अलग है वो तो करना ही है। इसके जैसे सेम आ जाए, पीछे आ गया कि मंद और तीव्र अभिक्रिया है, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। वो इसी में अगर आपने लिख दिए है तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा है आप सिर्फ समझ रहे हो तो फिर आपको कॉपी में अपने क्वेश्चंस करने हैं, दो बार करने की जरूरत नहीं आपको। तो ध्यान से इसको समझे और इनको याद करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे का वीडियो